नमस्कार, मैं आशुतोष आनंद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज पटना। आज हम अभी खड़े हैं ऊर्जा नगर के स्टेडियम में। यहाँ पर लाखों की संख्या में दर्शक जुटे हैं रावण दहन को देखने के लिए। पूरा गोड्डा जिले में स्टेडियम में जो रावण दहन होता है वो अपने आप में एक खास महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ का जो विधि व्यवस्था है और यहाँ पर जो रावण दहन होते हैं, रावण को बनाया जाता है, बाहर से कलाकार आते हैं और रावण दहन होता है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ स्टेडियम खचाखच खुशी से झूम रहे हैं, ऐसे इसलिए कोई भी देखने को मिले। गोड्डा जिला का आप में इतिहास है कि 2500 से यहाँ पर लगातार इसी तरह से रावण दहन किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ है मिलन और स्वदेव, जो आपको पल पल की जानकारी देंगे, इस पूरी कार्यक्रम का अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। दशमी के उपलक्ष्य पर यहाँ पे रावण दहन का आयोजन किया जाता है। दर्शक चारों तरफ भीड़ उमड़ पड़ी है। रावण की चिता जल रही है। मैं मिलन भगत, एक्सप्रेस न्यूज बनना से। अभी हम ऊर्जा नगर राजेंद्र स्टेडियम में, जहाँ आपको रावण दहन का कार्यक्रम दिखाएंगे। इतने हर्षोल्लास से हर साल मनाया जाता है। मैं बता दूँ, रावण दहन से एक संदेश मिलता है हमको कि अच्छाई पे, बुराई पे हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। आप देख सकते हैं कितना चारों तरफ, आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे लोग आए हैं रावण वध को देखने के लिए। इतना मनोरंजन किसी लगता है रावण वध का, आस पास में बहुत से गाँव से यहाँ हर वर्ष आते हैं रावण। चारों तरफ पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ पे सीसी कैमरा लगा है। यहाँ के आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, उनके सुना चक्स बहुत बताएंगे।